अब फ्रेंड्स आते हैं हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। अब फंडामेंटल थ्योरम क्या है फ्रेंड्स हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल फेजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम कंसिस्ट द कॉन्वेक्स सेट हुज एक्सट्रीमम पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द बेसिक फेजिबल सॉल्यूशन। यानी कि कॉन्वेक्स सेट है हमारे पास, ये फेजिबल सॉल्यूशन है, उनका जो सेट होता है फेजिबल सॉल्यूशन का जो सेट होता है वो हमारे पास कॉन्वेक्स सेट होता है। अब फ्रेंड्स ये प्रूव करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास दो पॉइंट है। एक तो हम जैसे अगर फेजिबल रीजन ओनली एक पॉइंट है तो उस कंडीशन में तो ऑटोमेटिक ही, क्योंकि एक पॉइंट है वो कॉन्वेक्स ही होगा। अगर जीरो पॉइंट है उसमें तो फाई खाली है तो वो कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली है उसमें कोई पॉइंट ही नहीं, तो उसको हम कॉन्वेक्स कह सकते हैं। अब अगर आते हैं हमारे पास उसमें कम से कम दो पॉइंट है, उस केस में हम यहाँ प्रूव करके दिखा रहे हैं। लेट एफ इज द सेट ऑफ फेजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम है ए एक्स बराबर बी, यानी ये सिस्टम का फेजिबल सेट सॉल्यूशन का जो पॉइंट है सेट है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे एफ के सारे पॉइंट्स। तो इस वजह से हमने इफ द सेट एफ इज द सॉल्यूशन हैज ओनली वन एलिमेंट देन एफ इज कॉन्वेक्स एंड थ्योरम ट्रू इन दिस केस। नाउ एज्यूम दैट देयर एटलीस्ट टू पॉइंट, अगर हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे हमारे पास कम से कम दो पॉइंट तो हैं, तो उस कंडीशन में हमें शो करने के लिए लेट जेड बराबर लैम्बडा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्बडा एक्स टू, ये है हमारे पास, और जहां जीरो लेस देन लैम्बडा लेस देन वन, ये है हमारे पास, इस तरह से ये कंडीशन है। तो उस कंडीशन में हम क्या है इसको एक्स वन और एक्स टू जो हम लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में शो कर रहे हैं, तो ए जेड दोनों तरफ ए का मल्टीप्लाई किया फ्रेंड्स, फिर से वही जैसे लैम्बडा लैम्बडा ये तो मैट्रिक्स है, एक्स वन भी मैट्रिक्स है, बट लैम्बडा है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा, और एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू हमने बी पुट कर दी यहाँ से, और ये इक्वल टू ए जेड बराबर बी हो गया। तो लैम्बडा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्बडा एक्स टू इज अ फेजिबल सॉल्यूशन, सो इट इज कॉन्वेक्स सेट। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास एक रीजन, हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास कोई हमारे पास ग्राफ है, 2D में ग्राफ है, और अगर हमारे पास दो पॉइंट है अलग अलग, और दोनों पे हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू ऑप्टिमम आ रही है, यानी या तो मिनिमम आ रही है मैक्सिमम आ रही है, बट दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, तो उस कंडीशन में उन दोनों पॉइंटों को जो मिलाने वाली जो लाइन होगी उस पर भी हमारे पास जो वैल्यू होगी जेड की, यानी कि ऑप्टिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, वो हमारे पास वैल्यू सेम आएगी। अब फिर से नेक्स्ट थ्योरम में हमारे पास ये है, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम इज कॉन्वेक्स, यानी हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन का सेट है वो कॉन्वेक्स है।